अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसा आप सभी लोग। गाइस आज यार दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब शाम होने वाली है, तकरीबन 3:30 का टाइम है। मौसम एकदम ठंडा हो चुका है और गाइस मेरी गर्मी में आप हालत देख सकते हो। इसका रीज़न ये है गाइस, एक कबूतर फिर रहा था भाई बहुत देर से, और बैठाने की भी कोशिश करी, और एक कबूतर अपने पड़ोसियों का जो है फिर रहा था, ये आया सफ़ेद, तो भाई ये भाग रहा है बार बार, तो हमने भी कबूतर खोल रखे, हम छेड़छाड़ नहीं दिखा रहे। बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा। और एक कबूतर कल पर था यार, वो बाहर का कबूतर था, बस गाइस बैठते बैठते ही चला गया, पूरा छत पे बैठ ही गया था, तो गाइस वो भी निकल गया। तो हमने अपने कबूतर वबूतर सब देखो ओपन कर रखे हैं बढ़िया तरीके से, देख रहे भाई क्या सीन है क्या नहीं। ये देखो सभी अपने कबूतर मस्त गाइस ये देखो फिर रहे हैं बढ़िया तरीके से। कल पर तो उधर चला गया, और एक अपने पड़ोसियों का जो इधर उड़ रहा है, ये अभी इधर जाकर बैठ चुका था, ये उड़ रहा है। देखो देखो इसको छेड़ दिखाऊंगा ना, ये पंजाबी है, इनकी नई कबूतरी होगी कोई सी, तो चील आ गई इनकी छत पर, उड़ गए सारे कबूतर। वो कबूतर गाइस बिल्कुल बैठने ही वाला था अपनी छत पर, और इधर से आया और गाइस यहाँ पर बैठते बैठते यार चला गया। मैंने सोचा गाइस आप सी भाइयों के लिए एक वीडियो बना देते हैं, चला गया तो कोई बात नहीं, क्या पता दोबारा आ जाए। तो गाइस मेरी वीडियो में बने रहिए, क्या पता गाइस इनका आ जाए या फिर अपना आ जाए। इनका आ गया तो पकड़ के इनको रिटर्न कर देंगे, दूसरे का आ गया तो गाइस मज़ा ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया कबूतर है कलपरा। बाकी अपने कबूतर देखो खुले हुए हैं, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है, काले बादल ये देखो। तो गाइस जैसा भी होता है आपसी भाइयों को जरूर बताएंगे हम। और ये देखो दोबारा से चील इनकी छत पर गिर रही है शायद ही, ओहो और आ रही है। देखो गाइस इनका कबूतर उड़ा रहे हैं और चील, और ये न्यू कबूतरी की यार हिम्मत है, पंजाबन है ना इसलिए घूम रही है, नहीं तो इनकी छत पर कोई भी नहीं, और कबूतर इनको उड़ो जा रहे हैं बार बार, ये आ रही देखो पंजाबन। तो गाइस जैसा भी होता है आपसी भाइयों को जरूर बताएंगे हम, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस वो कबूतरी यार सामने उस घर पर जाकर बैठ चुकी है जो अपने पड़ोसियों की थी। तो गाइस बिल्कुल यार इधर इधर घूम रही थी, मैंने भड़की नहीं लगाई, क्योंकि गाइस यार भाग जाते हैं ना भड़की लगाने से, तो ये फिर कहते हैं अपने जो पड़ोसी है कि तुमने यार भड़की लगाई हमारा कबूतर भगाया, इसलिए हमने भड़की वड़की बिल्कुल नहीं लगाया, अपने कबूतर नहीं दिखा इसको, तो उस कारण से वो वहाँ पर जाकर बैठ गई, नहीं तो गाइस अपनी छत पर ही बैठती। तो गाइस अगर आती अपनी छत पर तो पकड़ कर उनको रिटर्न कर देंगे। देखते रहिए गाइस वीडियो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किधर बैठी हुई है वो। अगर गाइस आपको कैमरे में चमक रही हो तो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, वो देखो गाइस चमकेगी आपको, जाले के नीचे जो दीवार पे बैठा हुआ है ना सफ़ेद सफ़ेद, वही है गाइस, अभी आपको उंगली से दिखाता हूँ मैं, ये जो है गाइस नीचे से यही है गाइस वो कबूतरी। और गाइस कल पर आ तो यार बहुत याद आ रहा है, पता नहीं यार बैठते बैठते चला गया, अफसोस भी हो रहा है अब नहीं आएगा यार गाइस, वो बहुत थका हुआ था, उसका मुँह भी खुल रहा था, तो आता है तो यार देखा जाएगा। बाकी अपना कबूतर सारे ओपन है, और इनका एक और हरा कबूतर उतर रहा है अभी, पट्ठा ही है ये भी उड़ चुका था यार। आ जाए वो कल पर आ तो बहुत अच्छी बात है, उधर चला गया गाइस बहुत आगे, और उधर ही दोबारा भी जाके बैठ गया था जब हमारे बैठ रहा था वो, फिर आके दोबारा हमारे बैठ रहा था गाइस, फिर उधर ही चला गया वो। सो गाइस जैसा भी होता है वीडियो में बने रहिए आप सभी भाइयों को, हम बहुत मेहनत से अपनी ये वीडियो दिखा रहे हैं, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना गाइस। कबूतर सारे हमने खोल रखे हैं दोपहर के टाइम में, कबूतर पकड़ने के लिए चिड़ी मारी करने के लिए, तो अभी तक तो यार आया नहीं कोई कबूतर। सो गाइस उधर से भी कबूतरी उड़ के अब जा चुके हैं गाइस उधर, देखो वो हरा घर आपको चमक रहा होगा बीच में, उस पे जाकर बैठ गई। अगर गाइस हम हल्की सी छेड़ भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल कबूतरों को नहीं देख रही है, बस घूमती है इधर इधर घूम रही है, और जहाँ वो घूम जाती है गाइस वहीं अपना निशाना टीक के गाइस बैठ रही है, उसके चक्कर में अपनी एक सफ़ेद मखो पट्टी भी उड़ चुकी है जो कि ये आ गई गाइस। और ना ही गाइस वो कल पर आया, ना ही वो कबूतरी आई, और जब भी गाइस कोई सा भी कबूतर आता है कंटिन्यू जरूर करेंगे, देखते रहिए बने रहिए गाइस हमारी वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस कल जो दो कबूतर आए हुए थे ना, तो गाइस मैं तो चला गया था सदान को यहाँ पर छोड़ के, तो जिस टाइम पे गाइस मैं आया तो सदान ने बताया कि भाई कोई कबूतर नहीं आया, तो मतलब जो उनका कबूतर था ना अपने पड़ोसियों का सफ़ेद, उसका भी नहीं पता चला भाई कहाँ चला गया वो भी यार, सदान भी कबूतर बंद करके चला गया था, और जो कलपरा था ना वो आया था रिटर्न से, वो दोबारा नहीं बैठा गाइस, वो भी कहीं और चला गया। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे, तो कबूतर उबूतर देखो सारे ओपन कर दिए, फ़िलहाल कोई कबूतर नहीं आया था कल, चेक कर लो। और अभी भी गाइस एक दो कबूतर फिर रहे थे पता नहीं किस किस के, एक कलसीरा आया था अभी सुबह सुबह का टाइम एकदम, कबूतर खोल रखे हैं, और एक गाइस दुबाज फिर रहा है। तो अगर कोई सा गाइस अब आता है तो आपको दिखाएंगे। बाकी कबूतर देखो सारे खोल रखे हैं, कि न्यू पिजन स्टैंड बांधा था छोटा सा, तो इस पर बिठा रखे हैं सारे कबूतर हमने, और हर जगह को कबूतर देखो फिर रहे मस्ती में। गाइस कबूतर तो आ रहे हैं मगर यार गाइस कोई ना पकड़ मार रहा है ना कबूतर कोई बैठ रहा है, कल भी पूरा वो कल पर गाइस बैठ ही गया था, रह गया बस जरा जरा सा, यहाँ से आ रहा था इस ममटी पे बैठते बैठते गाइस सीधा ही हो गया। तो गाइस देख लेते हैं यार किसका कबूतर आता है। तो बाकी मैंने कंटिन्यू कर रखा है अपना व्लॉग, आप बने रहे कबूतरों का शौक करें, हमारे सारे कबूतर सुबह सुबह में मस्ती में एकदम बैठे बैठे फिर रहे हैं।
बाकी गाइस जो कबूतर आता है देखा जाएगा। अभी हम देखने चलते हैं जिस बच्चे को हम हैंड टेम करने वाले थे। मंद्रासि का एक बच्चा निकलने वाला था गाइस, तो देखते हैं भाई वो निकला है या फिर नहीं। पलने की बात तो गाइस बाद में देखी जाएगी, पहले ये देख लेते हैं कि निकला है कि नहीं। देखो गाइस अंडे में ही मर चुका है ये। गाइस इससे पहला एक और बच्चा हो रहा था कल ऐसा ही, तो गाइस मैंने उसको निकाल दिया था हाथों से ही, तो भी गाइस वो मर गया। आपको मैंने दिखाया था कल के व्लॉग में कि एक बच्चा निकल चुका और एक मर गया। तो अभी इसको निकालते हैं भाई, बच्चे को कैसा बच्चा था यार, इसको निकाल कर चेक करते हैं। ये देखो भाई यार पूरा बच्चा रेडी था निकलने के लिए, बट यार इससे निकला नहीं गया। ये देखो अभी इसको निकालता हूँ मैं, ये देखना पूरा गाइस बच्चा बना हुआ है, इससे गाइस निकला नहीं गया और ये गाइस मर गया। ऐसा ही होता है गाइस, उसको निकालना पड़ता है जिससे निकला नहीं जाता, और निकाल भी तो गाइस बिल्कुल सेफ़ रखना पड़ता है। मैंने निकाल के गाइस रख दिया था, उन्होंने उसको दबा दबा के मार दिया। ये जिस बच्चे को गाइस हैंड टेम करने की सोच रहे थे वो निकलने से पहले ही मर गया। तो गाइस ये मत सोचना कि अब मैं हैंड टेम नहीं करूँगा, इंशाल्लाह ताला गाइस कोई सा ही बच्चा मुझे जिस भी वक्त पे गाइस मिल गया ना हैंड टेम करने वाला, मतलब फैंसी सा कबूतर जो ज़्यादा ऊपर ना उड़ता हो हाई फ्लायर से दूसरा, तो गाइस मैं कर लूँगा उसको भी हैंड टेम। तो देखते हैं यार भाई कौन सा करना है यार, अब करवाना पड़ेगा। एक बच्चा वैसे मैं और हैंड टेम के लिए करवा रहा हूँ, वो निकलता है तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। चलो चेक करने चलते हैं वो निकला है या फिर नहीं। वो भी काफ़ी दिन से अंडा रखा हुआ है, एक बच्चा उसके साथ का निकला भी। सो गाइज यार वो वाला बच्चा भी नहीं निकला, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। सो यार अभी तक तो कोई कबूतर नहीं आ रहा है। तो बस ये था गाइज हमारा व्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कोई और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।